दोस्तों चाय पीने बड़ा मजा आ रहा है। हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, टिकट विकेट सब ले चुके हैं, 90 रुपए की टिकट मिली। 600 meters, turn right. जुक 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 स्टार्ट हो चुकी है। ये भटूरे वाले हैं पीछे और ये चाय वाले। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं मोहम्मद इमरान, आपका होस्ट। दोस्त आपके अपने चैनल सबके मंजिल। दोस्तों एक नया दिन और एक नया सफ़र, दिल्ली तो आगरा, यानी कि हम आगरा का सफ़र करने जा रहे हैं अब। ठीक है, अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं, आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। हम अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली टू ट्रिप कराएंगे आपको पूरा रास्ते का। ठीक है, दिल्ली टू आगरा का, और ये जर्नी बहुत स्पेशल रहने वाली है दोस्तों। इसकी पूरी सीरीज आएगी इंशाल्लाह, आप इन्जॉय से देखिए और इसे शेयर करिए। तो हम चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, चलिए शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आज हमारी ट्रेन है सुबह की 5:15 की या 5:10 की, ये पंजाब मेल दिल्ली टू न्यू दिल्ली से ट्रेन मिलेगी। ठीक है, 5:15 या 5:10 की है, जो डायरेक्ट आपको आगरा छोड़ेगी। और इस टाइम बज रहे हैं 4:45, हम वक्त से पहले आ गए, क्योंकि टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, और हम जस्ट ट्रेन पे नीचे उतर रहे हैं और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रेन के अंदर बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों, चाय पीने बड़ा मज़ा आ रहा है। हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, टिकट विकेट सब ले चुके हैं, 90 रुपये की टिकट मिली दोस्तों हमें। ठीक है, एक जने की, और ये एक ट्रेन इंजन जा रहा है हमारे पीछे। ठीक है, और भाई टेस्टी चाय दोस्तों, आवाज़ भी नहीं आएगी अब आपको मेरी, क्योंकि इंजन की आवाज़ ही। ठीक है, और 90 रुपये का टिकट है, और दिखा रहे हैं ये सुपर फास्ट ट्रेन है, और ये आपका 3 घंटे में हमें पहुँचा देगी आगरा, 3 से 3.25 घंटे बता रहे हैं। अब बाकी अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन चाय बहुत टेस्टी दोस्तों, लेकिन 15 रुपये की है। लेकिन चलो कोई नहीं, और यहाँ से 90 रुपये का टिकट है तो मैंने बता दिया आपको। अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 5:15 ही बता रहे हैं, बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन आ गई है, अब हम अपने डिब्बे की तरफ जा रहे हैं, डिब्बे की तरफ जा रहे हैं अपने, हमारी ट्रेन दोस्तों फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको बाहर जा कराता हूँ, ट्रेन से बैठा हुआ थोड़ा सा, और हम सीट पे मिल चुके हैं आराम से। दोस्तों ये हमारी ट्रेन है, यहाँ हम बैठे हैं, हमारी पूरा वो है दोस्तों। फाइनली हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन चल रही है अभी, स्टार्ट हो चुकी है, और बाकी अब देखते हैं आगे का पूरा स्टार्ट। ये देखो कितनी हल्की हल्की चल रही है, स्टार्ट वही चलना, और ये हमारा कंपार्टमेंट है पीछे, और ये सल्लू है। एक्चुअली हमने थोड़ी चालबाजी करी है ये सब चीज़ें, चालू हो चुकी है, बाकी और चलिए बताते हैं। दोस्तों हमारा सफ़र जारी है, और आप देख सकते हैं बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, टोटली कोहरा है बाहर, देख रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाहर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, बस ये पेड़ जो जगह से घूमती है ना वो नज़र आ रही है, उसके पीछे क्या है कुछ नज़र नहीं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ बाउंड्री दिखाई दे रही है और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों देखो मेरे बाल कैसे हो गए, मैंने भी टोपा उतारा और मेरे बाल कैसे कैसे हो गए। और यहाँ हमारी सीट है पूरी, ये भाई सो रहे हैं इधर, और इधर सल्लू मियां बैठे हैं हमारे भाई, चाय वाले भैया हो। और ये अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, आप बाहर का लोकेशन देख सकते हैं, मतलब ये दोबारा स्टेशन पर रुकी है, हमें 1.5-2 घंटे हो गए बैठे हुए ऑलमोस्ट, लेकिन बड़ा अच्छा सफर गुजर रहा है, मतलब हमें सीटें बड़ी कंफर्टेबल मिली हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये तो मूंगफली चाय वाले ही बैठे हुए, मुझे नहीं दे रहे, मेरे बैग में से निकाल के और मुझे नहीं दे रहे, लेके बैठे हुए। दोस्तों थक गए आज तो यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि मतलब ट्रेन हमारी लेट हो गई थोड़ी,
क्योंकि इधर की साइड कोहरा ज़्यादा था, हरियाणा में और यूपी के अंदर भी कोहरा ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना हमारी ट्रेन लेट हो गई। मतलब हमें यहाँ पहुँचना था लगभग 8:30 के करीब, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 9:30, यानी कि पूरा 1 घंटे लेट चल रही है। आप देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम। आई थिंक 10:15 तो बजे जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते, तो हम आगे दिखाते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। देखो ये क्या कंजा पना कर रहे हैं लेकिन सफ़र हमारा अच्छा गुजर रहा है, बस थोड़ा लेट होगा तो कुछ नहीं। चलिए हम यहाँ से बस अब पहुँचने वाले हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट, चलना आपको वहाँ का थोड़ा बहुत मज़ा आ कराएंगे पहुँचने। दोस्तों मुझे ना एक बच्चा देख देख के हंसा जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चा कौन है। पीछे ही बैठा सामने की साइड, दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों ये बैठा बच्चा सामने, ये बच्चा तो देख देख के हंसा रहा है दूर दूर से, काफ़ी ऐसा हंसना देख देख के। मतलब मैं अभी साथ ही ला रहा था ये बच्चे, तो हंसने लगा देख के। सो दोस्तों फाइनली हम उतर गए हैं अपनी ट्रेन से, जस्ट हमारे पीछे उतरी है। और ये कुछ ऐसा है आगरा का रेलवे स्टेशन, ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही बना हुआ यार, देखो सही बना हुआ बिल्कुल रेलवे स्टेशन। अब हम चलते हैं बाहर की साइड, बाहर का आपको थोड़ा सा नज़ारा कराएंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे का सफ़र चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शोर हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, पहले लोगों की और फिर ये माइक में बोल रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन पे ही एंट्री पे लगा हुआ है, और बाहर चलते हैं। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन से मैं निकल कर आया हूँ अभी, ठीक है, और काफ़ी सही भीड़ भाड़ है। और मेरे साथी जो है वो अभी वॉशरूम गए, मतलब यहाँ पे सही लग रहा है, रेलवे स्टेशन अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं आगरा कैंट लिखा हुआ ऊपर। और हम जस्ट बाहर खड़े हैं और अब आपको आगरा का नज़ारा कराते हैं, फिर लोग का एंड करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे जल्दी स्टार्ट करेंगे आप। और यहाँ पर धूप है माशाल्लाह अच्छी, दिल्ली से तो अच्छा मौसम लग रहा है पूरा, बाकी चलो देखते हैं आगे। दोस्तों चाय लिए हमने उतरते के साथ ही, और मैं आपको अब नज़ारा कराता हूँ आगे से। सलमान भाई रोटी लाए थे, लाल रोटी जो होती है छुपा रहा है भैया, हम जो खा रहे हैं वो तो दिखाएंगे क्यों है। और ये भटूरे वाले हैं पीछे, और ये चाय वाले, और मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों उतरते के साथ ही यहाँ पर। चलिए हम आ गए अपना रिक्शा वगैरह जो लेंगे भी ताजमहल के लिए, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह ताजमहल का अलग से व्लॉग रहेगा और आपको पूरा यहाँ का नज़ारा करवाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, इन 600 मीटर टर्न राइट, यमुना चट को बना हुआ है, देखिए। और ये हमारे सलमान भाई के साथ में, देखिए आगरा काफ़ी डेवलप हो गया दोस्तों। हमारा आगरा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सफाई हुई है, देखिए आगरा पूरा दिल्ली का, सॉरी आगरा का आगरा है ये, इसका रास्ता साइड पर कॉलोनी बनी हुई पूरी। पेंटिंग वगैरह बहुत सारी दीवारों पे बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को अर्न करता हूँ। हमारा आगरे का सफ़र, मतलब पूरा टूर मैं आपको एंजॉय करूँगा। आप पूरी सीरीज में बने रहिए, ठीक है। मैंने इच्छा किया अपने आपके ब्लॉग के अंदर कहाँ जाना होता हमारा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चलिए।